कर लो आप। तो अलग पल्ला है जी, हम बताएंगे पल्ला वाला आइए आपको। ये सब दस्तावेज, सब दस्तावेज सामने, इसको देखना हो देखो। आप बता दीजिएगा, फिर शुरू कर। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मीडिया टीम की हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय संगीता शर्मा जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, अवनीश बुंदेला जी, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर दोस्तों, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाती जा रही मध्य प्रदेश सरकार के घोटालों में हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मोहर है, ग्वालियर जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस पर प्रमाणिकता की मोहर लगाई है, उस घोटाले को जो नरसिंह घोटाले के नाम से व्यापम के बड़े भाई के रूप में इस प्रदेश में सामने आया है, उस पर कांग्रेस पार्टी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने उसकी अनुगूंज सुनाई होते ही हमारे प्रवक्ता साथी अमिताभ अग्निहोत्री जी को निर्देशित किया था कि वह इस घोटाले की तह तक घुस जाएं, और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी मेहनत के बाद हाईकोर्ट और आरटीआई से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं वो नामचीन नेताओं को जेल भेजने के लिए काफी है। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, और उनके पूर्व मैं शॉर्ट ब्रीफ के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस घोटाले से संदर्भित शॉर्ट ब्रीफ आप लोगों के सम्मुख रखें, फिर माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी आपसे चर्चा करेंगे, और गोविंद सिंह जी की चर्चा के बाद एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसे मैं अभी गोपनीय रखना चाहूँगा। गोविंद सिंह जी के पश्चात उस शख्सियत को मैं आपके बीच प्रस्तुत करूँगा जिसने या जिसके शब्दों में मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का कैसा माहौल रहा है, आप भी उससे वाकिफ होंगे। अमिताभ डिटेल्स बताओगे? हम पहले हम बताओ डिटेल्स, ये दस्तावेज है। माननीय गोविंद सिंह जी पूरी रात का सफर करके आए हैं, मैं पहले डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे आपसे रूबरू हो जाएं, उसके बाद अमिताभ जी उनसे बात। सम्मानित मिश्रा जी चालू है, आ रही है। आदरणीय संगीता जी, अग्निहोत्री जी, बुंदेला जी और उपस्थित आदरणीय पत्रकार बंधुओं, बहनों, एक ऐसे आवाज़ तो नहीं आ रही है। माननीय शिवराज सिंह जी सरकार जब से प्रदेश में आई है, मध्य प्रदेश में घोटालों का मध्य प्रदेश राज बन चुका है। जितने घोटाले आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, उससे अधिक घोटाले शिवराज सिंह जी ने अपने प्रदेश में करके अपना नाम गिनीज बुक में लिखाने का काम किया है। मैं आपको जिस प्रकार व्यापक घोटाला था जिसको तमाम जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई,
विधानसभा में डंपर घोटाले के मामला दबा दिया गया, उसी प्रकार जब सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब व्यापम घोटाले पर अंकुश लग सका। व्यापम घोटाले के साथ ही मध्य प्रदेश में लगभग 667 नर्सिंग कॉलेज हैं और इन नर्सिंग कॉलेजों में करीब 60,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के साथ देश के बाहर के प्रांतों के भी छात्र कागजों में पंजीबद्ध हैं। हमारे साथी इन्होंने 2007 में माननीय लोकायुक्त में भी प्रमाण सहित इन घोटालों की नर्सिंग कॉलेज अवैध रूप से कागजों पर चल रहे थे उनकी आवेदन दिया था प्रमाण सहित। माननीय लोकायुक्त ने जांच की लेकिन उसके जांच तक क्या कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं चला। अब मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जितने नर्सिंग कॉलेज पूरे प्रदेश में कुकुर मुत्ता की तरह उगाए हैं उनके जब तमाम हमारे साथियों ने आम जनता में शिकायत हुई है, जनप्रतिनिधियों ने की, हमारे साथियों ने भी विधानसभा में और जगह मामले उठाए, पब्लिक में भी मीडिया में भी, तब जाके और हमारे एक साथी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर में भी याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय के ने कमेटी बनाई जांच की और जांच कमेटी बनाकर जब जांच कराई कि कौन से मानक किसके गुणवत्ता पूर्ण जिनके मापदंड पूरे कर रहे कि नहीं कर रहे, तो उसमें से जांच कमेटी ने 70 मध्य प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों में अमानक पाए और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की और नर्सिंग कॉलेज की काउंसिल जो मध्य प्रदेश की है उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए और उन्होंने भी यह रिपोर्ट पेश की अभी जुलाई के महीने में, तो उसमें भी 94 उन्होंने जवाब दिया कि हमने 94 कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी जब जांच कराई और जांच में प्रमाणित भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गए तो उन्होंने वहां के रजिस्ट्रार को हटाया और जांच के एक रजिस्ट्रार अलग से नियुक्त करने का आदेश दिया और फिर वहां के जब काउंसिल ने जांच की अलग से नर्सिंग काउंसिल को जांच के निर्देश दिए तो उसमें भी करीब 150 से 200 जो नर्सिंग कॉलेज है मानक पाए गए। जब विस्तृत जांच हुई तो कई ऐसे पाए गए छात्र जो कभी आते नहीं, कॉलेज है ही नहीं, केवल कागजों में है, एक बोर्ड टंगा हुआ है, ना उनकी भवन है, ना उनके कहीं ये जिन अस्पतालों को उन्होंने बताया कि हमारे साथ संलग्न नर्सिंग कॉलेज साथ, जब वहाँ जाके देखा तो अस्पताल भी नहीं मिले, वो हॉस्पिटल भी नहीं थे 100 बेड के होना चाहिए और जिन नर्सिंग कॉलेज में जो मापदंड है उसके अनुसार 54,000 से ज़्यादा बनी हुई भवन हो जिसमें छात्रावास हो, लैब हो, ट्रेनिंग सेंटर हो और क्लास पढ़ने के लिए जो क्लास अलग से हुए, ये सब 54,000 स्क्वायर फीट में भव्य इमारत बनी होना चाहिए परंतु वे कई इमारत नहीं मिली, कई जगह मिली, कई अधूरी मिली, पूरी तरह से केवल 50 नर्सिंग कॉलेज मानक
गुणवत्ता वाले पूर्ण मानक करते हुए मानक जिनके कंप्लीट थे उन पाए गए। इस प्रकार कागजों में पाए गए नवा स्टाफ था, जो मापदंड उसमें स्पष्ट प्रावधान है नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हें कम से कम एक प्रिंसिपल हो, अगर जिसमें छात्र हैं 150 के करीब छात्र, 100 से अधिक छात्र हैं, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और सब मिला के टोटल स्टाफ जो प्रशिक्षण देने वाला हो 25 से 40 तक कम से कम स्टाफ होना चाहिए। कई जगह ये मामले आए कि एक एक जो स्टाफ नाम लिखे थे उनमें प्रिंसिपल के, वो प्रिंसिपल तीन तीन चार चार नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल उनके नाम दर्ज करना बताया गया। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूँ, क्या आप के बिना ये इस प्रकार का घोटाला बरसों से हो सकता है बिना आपकी जानकारी में? मेरा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा क्या कह रहे गोपाल, अच्छा हमने का फोन हुआ आयुक्त, ये सब अगर सम्मिलित नहीं होंगे तो इतना बड़ा घोटाला क्या मध्य प्रदेश में संभव है? विधानसभा के प्रश्न गलत दिए जवाब दिए गए। अब मेरा साफ कहना है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी श्वेत पत्र जारी करें और जो जो घोटाले में शामिल है चाहे मंत्री हो, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा हो और कमिश्नर हो, उनके विरुद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री से अनुरोध है और समाज ये जब मुख्यमंत्री हमें प्रतीत होता है मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सब हो रहा था, जिस प्रकार व्यापम का घोटाला चल रहा था उसी प्रकार इसका चलता रहा। ये मध्य प्रदेश के साथ और बाहर के 60,000 छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, अगर तत्काल में कार्रवाई नहीं हुई तो जिस प्रकार व्यापम घोटाले में तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, मामला दबाने के लिए इसी प्रकार नर्सिंग घोटाले में भी ये हो सकता है, इसलिए तत्काल सरकार इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा विधानसभा में और जगह हम लोग इस मुद्दे को ताकत के साथ उठाएंगे और दोषियों को जेल में भेजने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब प्रमाण पूरे हमारे अग्नोत्री जी के पास है, ये पूरे प्रमाण सहित दस्तावेज बहुत लंबे हैं, बताएंगे एक एक से। आदरणीय साथियों, बताया हमारे माननीय मीडिया अध्यक्ष श्री के मिश्रा जी ने आप लोगों को बताया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको बता रहा हूँ कि इस घोटाले की शुरुआत तभी से नहीं हुई, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी 2004-05 में इस घोटाले की शुरुआत हो गई, कुछ मंत्री इसमें लपेटे में थे। इसमें तो मैंने 2007 में लोकायुक्त में शिकायत की, उसमें 3 मंत्रियों के नाम थे, कई बीजेपी के नेताओं के नाम थे उसके अंदर। तो उसका सार ये था कि उस समय नर्सिंग कॉलेज बहुत कम थे, तो कुछ बीजेपी के नेताओं के नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए, तो एडमिशन उनको मिले नहीं। जब एडमिशन नहीं मिले तो 2 चीज़ें उसके अंदर जोड़ी गई जो लोकायुक्त की शिकायत में है। पहली चीज़ ये थी उसके अंदर कि जो इनके कॉलेजों में पढ़ेंगे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी उसके अनुबंध का। दूसरा ये था कि उन छात्रों को फीस नहीं देना है तो फंड की व्यवस्था हो सरकार की तरफ से, तो सरकार के वित्त मंत्री वित्त सचिव ने वो पैसा देने से मना कर दिया था। तो फिर इसके बाद इन्होंने NRHM के एक मद से पैसा निकाल के
बांटा, तो उसमें मेरी आपत्ति ये थी एनआरएचएम में जिस मत से आपने पैसा बांटा वो मत स्वीकृत ही नहीं थे, उन्होंने कहा फ्लेक्सी पूल से दिया। मैंने फ्लेक्सी पूल में भी जब मत होगी तब तो दोगे आप, ऐसे कैसे आपने उसको बांट दिया। ये शिकायत पूरी लोकायुक्त में गई, करीब उस पर 20 कॉलेजों की शिकायत थी वो, और 7 फरवरी 2007 के आसपास हुई। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय बुंदेला जी का, साहब के साथ हैं, उन्होंने मेरे ही कागज कर मेरे सामने रखे कि आपने 2007 में ही शपथ पत्र लोकायुक्त को दिया था। लेकिन मैंने कहा मैंने तो बहुत पीछा किया लेकिन लोकायुक्त ने मुझे बताया नहीं कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। अब दूसरा चरण अपन इसका लेते हैं, इसकी शुरुआत हुई है एक्चुअली डॉक्टर साहब के शहर से, डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से। ब्रिट के एक निवासी हैं हरिओम जी, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि पूरे प्रदेश भर के, जैसे एक लड़का है 32 साल का जबलपुर का, विशाल सिंह बघेल, बहुत कम उम्र है, बहुत बढ़िया तरीके से केस को लड़ भी रहे हैं वो जबलपुर के अंदर, और हमारे कांग्रेस के हम सब साथी लोग सब एक टीम बनी गोपनीय रूप से कोरोना काल में, कि कोरोना काल में जब ये देखा गया कि मरीजों के लिए अस्पताल नहीं है, आप होटलों के अंदर दे रहे हो, रेलवे के डिब्बों के अंदर दे रहे हो, तो ये जो 667 नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें 100 बेडेड अस्पताल होना चाहिए ये कहीं नहीं दिख रहे, ये क्या बात हुई इसके अंदर। तो इसके बाद फिर सारी आरटीआई लगना शुरू हुई, आरटीआई में ये पूछा गया जो कई चीज़ें अभी और अभी सामने आएंगी जो भी आई नहीं, कि आपने इन कॉलेजों में आयुष्मान का कितना पैसा गया, इसमें कितने रेमडेसिविर लगे, इनके अंदर कितने इसके अंदर वेंटिलेटर यूज हुए, क्या हुए, वो कोई जानकारी इन्होंने दी नहीं। लेकिन जब ये आरटीआई वो सारी चीज़ें जब आपके विसिल ब्लोअर सामने आए तो कुछ चीज़ें खुल के सामने आई। सबसे पहले भिंड में आई तो वो हरिओम जी ग्वालियर में गए, 9872/2021 उनकी पिटीशन ग्वालियर आपके हाईकोर्ट में लगी। उसके बाद जब ये मामला मैंने भी जब इसमें माननीय हमारे अध्यक्ष जी और मिश्रा जी सबका निर्देश हुआ कि आरटीआई में अपन को और आगे बढ़ना चाहिए, भली चाहे केस लगे, इतनी जल्दी सरकार जानकारी देती नहीं है। तो सरकार ने अभी पहले आपको एक टोटल बताता हूँ, उससे अपन चलेगी कहानी तो बाद में चलेगी। ग्वालियर में सरकार ने कहा कि 70 कॉलेज अमानक हैं और 94 कॉलेज जिन्होंने जबलपुर में कहा अमानक हैं, टोटल कितने हुए अपने 164 हुए। हमें 130 की सूची दी है, 130 अमानक की सूची मेरे पास है जो इनके सस्पेंड किया है इन्होंने 2020-21 2021-22 में। तो ये 36 कॉलेज कहाँ गए? फिर आपने जबलपुर में 94 कॉलेजों की क्यों सूची दी हमें, जब आपने एक महीने पहले हमें दिए 29/7/2022 को और ये 18 को, मतलब 20 दिन बाद जवाब दिया आपने, आप 94 कॉलेज की दे रहे हैं, आपने वो कॉलेज क्यों बचा दिए जो आपने 130 कॉलेज हमको दिए थे? वो पूरे सर्टिफाई, सारे कागज सर्टिफाई है पूरे। तो ये जो घोलमेल हुआ है पूरा का पूरा, ये किसी बहुत बड़े तथ्य को छुपाने के लिए हुआ। अब इन तथ्यों में सबसे बड़ी चीज जो पकड़ में आ रही है, फर्जी अस्पताल, फर्जी फैकल्टी, डॉक्टर साहब सब बता चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डेढ़ समेत जानकारी देता हूँ। जब ये सारे मामले चले कोर्ट कचहरी पे तो सरकार को ये कहा गया कि ये बताइए फैकल्टी आप प्रस्तुत कीजिए। तो 3/4/2022 और 4/4/2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे करीब 142 कॉलेजों को, जिनके यहाँ जो फैकल्टी किस टाइप की थी, अगर एक ही व्यक्ति दतिया में पढ़ा रहा है वही आपका सीधी में पढ़ा रहा है और वही नीमच में पढ़ा रहा है, तीनों अलग अलग जगह एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है, और वो पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं जो नोटिस दिए हैं इन कॉलेजों को कि आपके यहाँ ये फैकल्टी कैसी कैसी, ये सब नोटिस इसके अंदर है। तो जब ये सारा मामला है फैकल्टी आपकी नकली है, इसमें सबसे बड़ा जो घातक चीज़ है इसके अंदर वो ये है, एक तो 60,000 छात्र से करीब करीब हो रहे हैं 667 कॉलेज में, मैंने बहुत मिनिमम जोड़े हैं 100, जबकि किसी में 200 भी है 250 भी है तो भी 60,000 संख्या होती है। एक तो उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरा ये है कि जब आपके पास अस्पताल नहीं है, जब आपके पास फैकल्टी नहीं है और जब आपके पास सारी सुविधाएं नहीं है, तो इसमें तो यहाँ तक मेरे को अभी आया है जो कि बाद में बताऊंगा मैं आपको, तो ये इसमें आ रहा है कि आप झोला छाप नर्सिंग स्टाफ आप तैयार कर रहे हो तो किस तरह से मरीजों का इलाज करेंगे वो। इसमें सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है, इसके पीछे पर्दे के पीछे एक जो अभी मैंने CBI को भी लिख के दिया है, जो इसमें लिखा है CBI ने इसमें कोई जांच नहीं की है, ED के अंदर इसने कोई जांच नहीं की है, प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की कोई जांच नहीं की है, तब हम सब लोगों ने निर्णय किया डॉक्टर साहब के निर्देश में मिश्रा जी के कि हमें मीडिया के सामने जाके अपनी बात को कहना चाहिए। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो इसमें पूरी बहुत बड़ी संभावना है इसके अंदर, इसमें मैं कहूँगा दो शब्दों में मिश्रा जी भी इसमें फिर बताए। माननीय डॉक्टर साहब ने और अमिताभ जी ने जितने तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसमें सबसे बड़ा जो एक तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि काले धन का पूरी तरह लेन देन हुआ है, और जब मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है, और वो हम नहीं कह रहे हैं, वो हाईकोर्ट के फैसलों में प्रमाणित हो चुकी है कि ब्लैक मनी का इसमें उपयोग हुआ है। तो जब ब्लैक मनी का उपयोग हुआ है
भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन एबीसीडी ईडी क्या है और सीबीआई वो किस शमशान में दिवंगत स्थिति में पड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक ब्लैक मनी का यूज करने वाले उन चिन्हित अधिकारियों और कॉलेज के संचालकों पर जिनका नेक्सस इस प्रदेश में काम कर रहा है उसको लेकर क्या कार्रवाई की सीबीआई ईडी को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। और जब व्यापक घोटाले में जब हम लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले तब तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यदि जेल जा सकते हैं हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन राज्यपाल महोदय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है तो विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो दूध के धुले कितने हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रही है। हमारे पास तो वो भी प्रमाण है आगे लड़ाई में हम आपको और बताएंगे कि जब प्रतिवर्ष इन कॉलेजों की मान्यता रिन्यूअल होती है उसमें अधिकारियों का समूह 25-25 लाख रुपए इन कॉलेज के संचालकों से लेता है। आने वाले दिनों में हम आपको और ब्रीफ करेंगे। ये अभी आपको ट्रेलर दिखाया है, ये दस्तावेज आरटीआई के कोर्ट के हैं, इसे सरकार के पूज्य पिताजी भी आ जाए तो चुनौती नहीं दे सकते हैं। और हमारे पास पूरी फिल्म है। ये लड़ाई माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में बहुत लंबी जाएगी और व्यापम में हम लोग चोट खाए हुए हैं तो इस लड़ाई में हम कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। तो हम आज आग्रह करना चाहेंगे कि अंधत्व की शिकार ईडी और सीबीआई भी इस मामले में सौम्य संज्ञान लेकर बिहार में कूद जाती है, आंध्र में कूद जाती है, उत्तर प्रदेश में कूद रही है, महाराष्ट्र में कूद रही है तो मध्य प्रदेश में इतनी मेहरबानी ईडी और सीबीआई की क्यों है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि यदि वो संवैधानिक इकाई है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन एजेंसियों का यदि गठन हुआ है तो वो भ्रष्टाचारियों के सहयोगी क्यों बनी हुई है। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा एक हमारे साथी आए हुए जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे पन्ना में पहले, अभी वो उनकी पत्नी लड़ी थी पन्ना से श्रीमती माया भरत मिलन पाणी, वार्ड नंबर 2 से। मिश्रा जी एक मिनट, इसको बाद में लेंगे, एक कुछ प्रश्न सवाल हमारा। आप पूछ लीजिए जी। अमिताभ ये बताइए आप जानकारी मिली थी जबलपुर का कौन से कॉलेज है जिसकी जानकारी आपको मिली है, नंबर 1। नंबर 2 उन प्रचार का नाम बताइए जो एक प्रचार कई कॉलेजों में जो है प्रचार बना हुआ। आप लिस्ट दे देंगे पूरे पढ़ के बता दूं बहुत लंबी है। आप नाम बता दीजिए मेरे को। चलिए मैं नाम बताता हूं, एक दो बता दो। आप चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट दे देंगे, फोटो लंबा है काफी सूची, अब डॉक्यूमेंट आपको अभी दे देंगे। देखिए नाम बता दे रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, है ना। नहीं पूरे नाम सुन लीजिए, एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च रायसेन हॉस्पिटल, इसमें जो रिमार्क दिया हॉस्पिटल बेड लेस देन 100 बेडेड फैकल्टी में, मतलब क्या कहते हैं जो इसमें नहीं, इसमें डायरेक्टर के नाम नहीं दिए, कॉलेजों के नाम दिए हैं। नब्बे % भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मंत्री विधायक हैं। मैं मंत्री इसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, और आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है वो आप देख लीजिए, और आपका आयुक्त निशांत बरमड़े सुलेमान ACS सुलेमान में बता देता हूँ। इनके यहाँ जाना चाहिए ना। एक मिनट में नाम बता देता हूँ। अब आप देखिएगा मेहंदी को बता रहा हूँ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग, ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, डायरेक्टर निशांत बरवड़े, अभी ये 3 से संबंधित जानकारी हमारे पास है और उसके बाद वो सूची भी हम जारी करेंगे कि इसमें कौन कौन से राजनेताओं के कॉलेज हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये हमारा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। काउंसिल के रजिस्ट्रार को भी हाईकोर्ट से आदेश दिए थे।
वो अभी ऑर्डर हुआ है 29 तारीख, अभी 23 तारीख का जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर इस वजह से हुआ है कि रजिस्ट्रार ने कुछ जो है डाउटफुल कागज पेश किए हैं, जो जब आप हाईकोर्ट को जब आप मिसगाइड कर सकते हो आप, तो उस वजह से ये हुआ कि ये रजिस्ट्रार को हटाया जाए। इसकी एक मिनट सुनिएगा, प्रायः कभी भी माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को सस्पेंड करने का या हटाने का निर्देश बहुत कम देती है, और यदि माननीय न्यायालय ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो मैं सोचता हूं कि सरकार के डूब मरने के लिए वो काफी है। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार में नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी चाहे उनके उनको घर में सचिवालय में उनको चीफ जस्टिस बना दें, वो हमारा विषय नहीं है। अभी 2007 से मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा अगर आप कहें तो बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए, बताइए। जयंत मलैया और अजय बिश्नोई और तीसरा अनवर मोहम्मद खान जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे, ये तीन नाम तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, और उसके आप लोकायुक्त में जाके दस्तावेज। एक का भी सूची में भी नाम है। सवाल इस बात का है कि अगर गंगोत्री से अपवित्र होगी गंदी तो नीचे सफाई नहीं हो सकती, क्या बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के या उनके संरक्षण के ये इतना बड़ा घोटाला बरसों से चल सकता है? और अगर मुख्यमंत्री नहीं चल रहा तो चाहिए, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है? इस मामले में अगर वो अक्षम है, अयोग्य है, तो उनको एक क्षण भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए, तत्काल त्याग पत्र दे और मध्य प्रदेश की जनता के साथ होने वाले अन्याय लूट के ये बंद हो करने का काम कर सकते, सहयोग करें। अब सर आज ही पूछ लेंगे, आप थोड़े बाद में भी रुकिए। अभी कम से कम 10 प्रेस के बाद में ही बताएंगे आपको। अभी भैया 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, अभी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हर महीने एक होगी इस बार। विजय जी आप तो विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो कमेटी बनाई थी आज मेरे पास नहीं ना। नहीं बिल्कुल हो नहीं हो सकता है, तो धरती पर तो भी होगी ना। यदि सरकार की ईमानदार पूर्ण मंशा है तो निशांत बरवड़े जी अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो जाएंगे तो उनके विरुद्ध FIR हो सकती है, मगर सरकार खुद बेईमान है। अब आप बताइएगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय ने जिन 10 लोगों की कमेटी बनाई थी, निरीक्षण दल जो बना था, उस निरीक्षण दल ने हाईकोर्ट को धोखा दिया है। जहां बिल्डिंग नहीं है वहां बिस्तर बता दिए हैं, वहां मरीज भर्ती बता दिए हैं, एक एक फैकल्टी 4-4 जिलों में पढ़ा रहा है, यह हाउ कैन पॉसिबल। शुरुआती हो गई थी वहां से, अब तो विकराल रूप में हो गया। नहीं देखिए उसमें बात ही बता रहा हूँ, 2007 में जितनी शिकायतें हमारे पास आई हम लोकायुक्त के पास गए, मामले को छुपाया तो नहीं हमने, लोकायुक्त के पास हम गए ना, अब लोकायुक्त ने उसमें कार्रवाई नहीं की, इसलिए जो है हम लोगों ने अब जब ये वाला मामला, जो ये दूसरे फेज का मामला है, ये मामला जब कोरोना काल चला, जैसे मैंने आपको बताया तो 667 कॉलेज है, 80 कॉलेज भोपाल के अंदर है, 80 कॉलेज जब भोपाल के अंदर है तो 80 अस्पताल होना चाहिए, क्यों आप अस्पतालों की जगह आप होटल में भेज रहे हो, रेलवे उसमें भेज रहे हो, कहाँ थे? हाँ नहीं उस समय ये कोरोना नहीं आया था ना हमारे टाइम में, जब हम लोगों ने कोरोना से पकड़ा है पूरे टाइम को इसको, जो कोरोना में भाई करो प्रूफ कहाँ से करेंगे आप, जब आप आयुष्मान मांगेंगे उसके अंदर, जब आप उसके अंदर वेंटिलेटर मांगेंगे, जब रेमसिडिवर मांगेंगे, जब वो प्रूफ आपको नहीं मिलेगा तब आप प्रमाण के साथ आएंगे ना कि ये अस्पताल नकली है। अपन किसी अस्पताल को कैसे नकली कह देंगे, अब हम कह सकते हैं ये अस्पताल नकली है, कोर्ट में प्रस्तुत हो गए सारे डॉक्यूमेंट की कुछ नहीं है, कोई रेमसिडिवर यूज नहीं हुआ, कोई आपका वेंटिलेटर यूज नहीं हुआ, तो भाई कहाँ अस्पताल है आपका? ये मतलब मामला सीधा सीधा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा था, हम आपके सभी लोग प्रभावित थे, तो कोई भी उसके अंदर अस्पताल मिला नहीं इनका। रेस्पॉन्सिबल बहुत रोचक है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हमने 15 महीने में क्या किया, हमें आपने पूछा हमारी सरकार ने 15 महीने में क्या किया, हमें सिर्फ 11 महीने का टाइम मिला, हमने 33,000 करोड़ के ई टेंडरिंग
घोटाले की 4 FIR EOW में करवाई थी। आप मुख्यमंत्री जी से हमारी ओर से या जनता की ओर से कृपा कर पूछिएगा, आप तो कलम के जादू कर रहे हैं, आप पूछिएगा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद दूसरी बार खरीदी हुई सरकार की शपथ जब ली उसके बाद उन 4 FIR को आज तक उनकी स्थिति क्या है, वो FIR क्यों दबा दी गई EOW में। और मैं फिर विषयांतर करते हुए आप भ्रष्टाचार पर ही रहा हूं कि जब व्यापम घोटाला हुआ था तो 164 में MISC के सेक्रेटरी ने यह आरोप 164 के बयान में दिया था, आप लोगों ने छापा था कि जो भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री होता था हम उसको 10 करोड़ रुपए मंत्री बनते ही दे देते थे। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का चार्ज था महेंद्र हाडिया जी को हटाने के बाद, तो जो पैसे देने वाले हैं बच्चे उनके अभिभावक CBI को फैसले में लिख रही है कि CBI की जांच में यह पाया गया कि इसमें लेन देन हुआ इसलिए इनको इतने सालों की सजा दी जाती है। जब CBI कोर्ट स्वीकार कर रही है उनको सजा दे रही है कि लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में उनको सजा दी है, तो लेने वाले सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं या मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा। अब मैं भरत मिलन पांडे जी की आपसे चर्चा कराता हूं कि जो माननीय कमलनाथ जी बार बार आरोप लगाते हैं कि प्रशासन पुलिस और बचे सवाल आपके किसे मुझसे डॉक्टर साहब मुझे क्या बात सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री हुआ नरोत्तम मिश्रा हो सब मिले जुले भ्रष्टाचार के सरगने हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वीकार किया भोपाल अभी इंदौर में कि भाई जो कारम बांध के घोटाले का सरगना है भिंड जिले का साथी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक मेरा मित्र है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नरोत्तम मिश्रा जी मित्र के साथ बैठकर महीनों तक सरकार के लिए पैसा इकट्ठे करने का काम करते थे कि नहीं करते थे। अब जब नरोत्तम मिश्रा के द्वारा पूरा पैसा घोटाले बाज इकट्ठा करके सरकार को दे रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनको हटाएं या उनके खिलाफ कार्रवाई करें? क्यों नहीं करें? जब उन्हें स्वीकार किया तो हमारा मित्र है, जब मित्र है साथी है तो फिर नरोत्तम मिश्रा के अंतरंग सूत्रों का उनके क्या क्या हो रहा है उसकी जांच नहीं कराना चाहिए? हमारे मित्र आप भी हैं, हमारे मित्र सभी, हमारी किसी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। राजनीति में हम अपना धर्म निभाते हैं, अब वो निभाए ना निभाए उनका काम, लेकिन मैं बिना तथ्यों के आधार पर सीधा सीधा आरोप नहीं लगाता हूँ। जो माननीय कमलनाथ जी आपसे बार बार कहते हैं कि तीन पी का निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जनपद चुनाव में, आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी आपसे चर्चा करते हुए बताया था कि किस ढंग से लोकतंत्र की लूट हुई है। लूट के शिकार मेरे नजदीक श्री भरत किरण पांडे साहब बैठे हैं जिन्हें पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी ने खूब सताया है, अनगिनत झूठे टकरण इन पर लादे हैं। जिला पंचायत के ये अध्यक्ष रहे हैं जनपद के, उस इलाके के कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। इनकी पत्नी वार्ड नंबर 2 से, जिनका नाम है माया भरत मिलन पांडे जी, इलेक्शन लड़ी थी और कलेक्टर ने कैबुलेशन के बाद 386 वोट से इन्हें विजयी घोषित किया था। विजयी घोषित करने के बाद ही इन्हें हराने के लिए, सीधा मैं आरोप लगा रहा हूं मुख्यमंत्री सचिवालय पर, मुख्यमंत्री सचिवालय से कलेक्टर पर दबाव बन गया कि इन्हें पराजित घोषित किया जाए। तीन तीन टेबुलेशन में अंतर काफी था, कलेक्टर ने उसकी रिकाउंटिंग करवाई जिसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं RTI के तहत, ये डॉक्यूमेंट है, तीन तीन डॉक्यूमेंट है
जिसमें ज्यादा लंबे हेरफेर की आशंका नहीं थी कि लंबा हो कुछ गणित जमा सकते हैं। अंततः वहां मुख्यमंत्री जी 25 से 2022 को मुख्यमंत्री जी 27-28 तारीख को वहां आए और मुख्यमंत्री जी ने बिना घोषित हुए पराजित प्रत्याशी रचना पटेल को माला पहनाकर खुद घोषित कर दिया कि यह चुनाव चीटिंग है। अब आप बताइएगा, और यह उसका वीडियो है, यानी मुख्यमंत्री ने कलेक्टर का चार्ज भी ले लिया निर्वाचन अधिकारी के रूप में और पराजित प्रत्याशी को माला पहनाकर घोषित कर दिया कि यह विजयी भूमि है। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी या वीडी शर्मा किस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में विजय हुई है, जब इस तरह के परिणाम आपके सामने आ रहे हैं तो यह बेशर्म भारतीय जनता पार्टी और सरकार लोकतंत्र और संविधान अपनी डिक्शनरी से खत्म कर दे तो बेहतर होगा। मैं पांडे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट सहित आपको जारी करेंगे। लेकिन मिश्रा जी, ये बताइए आपको इतनी जब देर क्यों लगी, जब मुख्यमंत्री ने वहां घोषणा की थी तो 24 घंटे में डॉक्यूमेंट लाने में टाइम लगा। सुनिएगा, सरकार डॉक्यूमेंट नहीं करेगी, फिर हाईकोर्ट गए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। कांग्रेस की हालत यह है कि सरकार बिक गई तभी पता नहीं लगा, आप लोग इतना देर से क्यों जागे? मगर हम नहीं बिके, कागज निकालने में सरकार से आप जानते हैं कितनी मेहनत करनी हो पड़ती होगी बेईमान सरकार से। हम हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी माननीय विवेक तन्खा साहब ने पिटीशन लगा दी है और कितनी मशक्कत के बाद ये डॉक्यूमेंट हमने निकाले हैं। अभी एक महीना हुआ है चुनाव घोषित हुए हो, तो सरकार इतनी ईमानदार नहीं कि आज हम लगाएंगे और कल हमें कागज दे देगी। जिसका जवाब मैं दूंगा आपको जी, बताइएगा। आप जी, जी, जब आपके पास पहले जीत का प्रमाण पत्र था उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा करके हरा दिया, तब आप क्यों नहीं बोले? तीन अलग अलग बार काउंटिंग हुई है, इसके डॉक्यूमेंट है, तीन बार काउंटिंग हुई, तीनों बार रेजोल्यूशन परिवर्तित की, तब भी वो नहीं आ पा रहे जीटीयू के लिए। फिर चौथी बार मुख्यमंत्री गए, उन्होंने माला पहना के उसको डिक्लेयर कर दिया। आपके पास इसलिए आपसे ज्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 25 तारीख को वोटिंग होती है, अब वोटिंग के बाद में माननीय चुनाव आयोग को ये लिख देता हूँ मैं कि भाई हमारे पास में ऐसा करने वाले हो कि एक क्योंकि हमने 20 हजार पहले डिप्टी कलेक्टर की मंत्री की और आपके सांसद जी किसी लोकल के किसी की चिंता न की थी, अब आज कुछ फर्क तो मेरे पास में एक कर रहे हैं क्योंकि मैं जनपद से 85 हूँ, जीतने वाला हूँ, मतलब जीत गया होगा तो मेरे पास में एक कर रहे हैं जिसकी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिए किस तरह के 75 वोट है, लिखे 75 वोट हमको पीएसएस का दिया था ओरिजिनल वाली, अब जो हम कहते थे एक महीने बाद जो मिली हमको मतलब की उम्मीद है नकल मिली हुई है, ये एक 75 वोट होती है, 3 वो 70 बनाए कि बनाया, आप देख लीजिए देख सकते हैं आपने 3 वो 70 बनाए कि नहीं बनाया, इसमें जिस प्रत्याशी को भाजपा के प्रत्याशी को देखिए आप 40 वोट मिले कि नहीं मिले, ये कोई बड़े नंबर किसी प्रत्याशी को आप देखिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि 40 को 1 को 40 किए को लेकर आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने किए हैं, आप देख लीजिए कि 40 1 को 40 मिले कि नहीं मिले। एक सफरी पोलिंग क्रमांक आए देता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ, एक पोलिंग क्रमांक 1 को 62 फकरी है, 1 को 8 वोट किए मिले हैं नहीं मिले हैं, मतलब 1 पर 1 वोट। अब जो जिसको भाजपा की प्रत्याशी थी उसको आपके देखिए लेकिन जो हम करवाया
वर्तन किए गए नहीं किए गए आप देख लीजिए छोड़ते थे अगर 47 थे तो 47 की जगह में एक और भी किया गया है एक को 47 कर दिया गया फिर अटैक को दो बढ़ा दिए गए इनको डेट आप देख सकते हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इसके बाद में उन्होंने इतना ही काफी है और बताइए इसके बाद में मैं चुनाव आयोग गया चुनाव मुझे चुनाव नियंत्रण के लिख दिया इसके बाद जब नहीं गए तो मैं इसके बाद में चंदा करने के लिए हाईकोर्ट गया हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने जो हाईकोर्ट की फिंगर भेजी थी उन्हें तर्क किया उन्हें टिप्पणी दी थी कि एक मतलब कलेक्टर महोदय है एक भारतीय जनता पार्टी के हेड मंत्री उन्होंने काम किया जिसकी भी वीडियो है आपको मालूम होना चाहिए बहुत चितला है जो मैंने हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी के हेड मंत्री मध्य कलेक्टर ने काम किया है इसके बाद ने 17-8 को पेशी लगी थी तो सरकार के द्वारा और सरकार के जो वकील होते हैं जो भी अधिकारी कर्मचारी ने कार्रवाई करिए क्योंकि एक लोकतंत्र की हत्या हुई है एक लोकतंत्र की हत्या हुई है धन्यवाद चाय लीजिए।